ओम नमो सांगल पति सत्य सोहंग ओंको अटले राज लकड़े सिखो पकड़ करे रणु को अरे बंधन काटे एक यानी जो मुक्ताई सारी विपत भी डारी रे आज मेरा ओ बंधन काटे किया निज मुख का सारी विपत बिदारी रे आज मेरा ओ साहिब ने बलिहारी आज मारा
दया करी मेरे सतगुरु दाताई अब के लिया है कुमारी। हे हा दया करी मेरे सतगुरु दाता अब के लिया है उबारी। भव सागर में डूबत चार हो भव सागर में डूबत चार ऐसे परी उपकारी हो आज मारा सतगुरु ने बलिहारी। बंधन काटे किया निज मुक्ता हो बंधन काटे किया निज मुक्ता गुरु दीन दयाल की जय हो जंगलपति महाराज की जय हो। आज मेरी सतगुरु जी ने बलि भरी बंधन काट किया है निज मुक्ता सारी विपता ने बिदारी। आज मेरे सतगुरु जी ने बलि भरी। गुरु महाराज ने सब बंधनों को काट करके मेरे को आजाद कर दिया तो धन्यवाद के पात्र कौन है मेरे गुरु महाराज। बंधन काट किया निज मुक्ता सारी विपता बिलारी आज मेरे सतगुरु जी ने है बलिहारी। वाणी सुनी परम सुख उपजा गुरु महाराज को मंत्र कान में पढ़ो तो मन सुख आनंद मिले। वाणी सुनी परम सुख उपजा दुर्बुद्धि गई है हमारी मेरी मलिन बुद्धि बा दूर हो। बाणी सुनी परम सुख उपजा दुर्मत गई हमारी कर्म भ्रम का संशय मिटा दिया कपाट उघारी आज मेरे सतगुरु जी ने है बलिहारी। मेरा कर्म भी कटका मेरे भ्रम भी भाज को और मेरे अज्ञान को पड़ दोड़ी हट गया। फिर क्यों माया ब्रह्म का भेद समझाया गुरु महाराज ने क्या बताया माया और ब्रह्म माया क्या है और ब्रह्म क्या है। जो दो आंखों से दिख रही है वो माया है और ब्रह्म क्या है जो अदृश्य है जो दिखने वाली वस्तु नहीं है वो ब्रह्म। जो दिख रही है वो अनित्य है मिटने वाली है
और जो नहीं दिखे दिख रहा है वो कभी उसका विनाश नहीं, मिटने वाला नहीं। माया ब्रह्म का वेद समझाया, सोहं लिया विचारी। सोहं का मतलब है अपने आप को जान लिया। आज पुरुष घट भीतर दृशा जा डायन दूर बुला। आज पुरुष कौन है? परम पिता परमेश्वर मेरे घट के अंदर ही प्रोत प्रोत हो गए। डायन दूर बिड़ारी, ये तृष्णा डायन ही इसको दूर। तृष्णा क्या है? तृष्णा यानी तीन चीजों के ऊपर आकर्षण होना, ये तृष्णा। पहली है पुत्रेष्णा, दूसरी है वित्तेष्णा, तीसरी है लोकेष्णा। तो मेरे परमात्मा मेरे घट के अंदर दिखा दिया गुरु महाराज ने, और मेरी तृष्णा भी मिटा दी। तो दया करे मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया माने उबारी। भव सागर में डूबत जा ऐसे ही प्रभुकार। गुरु महाराज परोपकारी, चार चीज परमार्थ बताई है। तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण ये चारों धारी होती है। चार चीज परमार्थ है, लेकिन इसमें दो विशेष है। तरवर नाम पेड़ पौधा को है, पेड़ पौधा को धाने फल खानो है, बिजी छाया में बैठनो है, विश्व कोई लकड़ी लेनी है या कोई ओस्ती लेनी है तो थाने खुद न जा पेड़ के करना जाऊं। और थाने प्यास लाग रही है तो सर्वर के करने थाने खुद न जाऊं, तो लो सर्वर था करने चादर को नहीं कोनिया हो। सही है हमारा। लेकिन संत महात्मा और इंद्राजा बे घर घर जार बस काहे करे तो देखिया। तो ए चार चीज परमार्थी है, दया करी मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया उबारी। बहु सागर से डूबत त्यारा, ऐसे हैं पर उपकारी। आज मेरे सतगुरु जी ने है बलिहारी सा। फिर बताया है गुरु दादू के चरण कमल पर मेलो शिशु उतारी। और कहो क्या आगे राखूं सुंदर भेंट दिया। किस चीज तो थाका भेंट में दे रही हूं, और भी कोई चीज बताओ तो भाभी थाके लिए तैयार है बोले। सही है महाराज। तो बताया है तन विष की बेलड़ी, गुरु है अमृत की खान, और शीश दिया भी सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश के बदले भी गुरु महाराज मिले है तो उसको सस्ता ही मान लेना है। बोले सतगुरु दीन दयाल की है।